हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब डॉक्टर किसी पेशेंट के आईवी फ्लूइड लगाता है यानी ड्रिप लगाता है तो उसको किस तरह किटकैट लगाया जाता है, कौन कौन सी बोतल लगाई जाती हैं, कौन कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी हेल्थ की वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिक्सर, DNS की एक बोतल, कैनूला और ये IV सेट है। गाइस जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट की ड्रिप लगाता है तो सबसे पहले इसी सामान की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 3-4 आइटम हैं और आपको हम अभी दिखाएंगे कि पेशेंट के किस तरह कैनूला लगाया जाता है। आप देखते रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। दोस्तों बोतल और भी आती हैं जैसे RL, D5, लेकिन हम इस पेशेंट के DNS ही लगा रहे हैं। और ये हमारे पास जो कैनूला है ये 22 नंबर कैनूला है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम इस पेशेंट के बेल्ट बांधकर कैनूला लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको कॉटन लेकर स्पीड से उस वेंस को सफ़ा करना है, हाथ को सफ़ा करना है अच्छी तरह से। उसके बाद कैनूला निकाल कर इस पेशेंट के इंसर्ट करना है। नज़दीक कर अच्छे से, जो भी अच्छी वेन हो आपको अच्छी सी वेन देखकर जो कैनूला अच्छे से सेट हो जाए और एक वेन में इसको सेट कर देना है। उसके बाद आपको वेल्ड को अच्छे से ढीले करना है। ढीला करने के बाद आपको देखना है कि कैनूला में ब्लड आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपको इसकी जो कैप है इसको निकाल कर उसमें अच्छे से लगा देना है। उसके बाद आपको फिर वेल्ड को हटा देना है। फिर आपको फिक्सर लेना है और उसको कैनूला पर अच्छे से दोनों टेप को लगा देना है जिससे कि कैनूला हिले नहीं और आपकी ड्रिप अच्छे से लग जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो टेप होती है उसको हटाकर इस कैनूला पर अच्छे से लगाई है। एक टेप लगाई है ये पहले और उसके बाद मैंने दूसरी टेप को लेकर उसकी भी इसकी चिट को हटाकर और उसको ऊपर लगा दिया है। तो गाइस इसी तरह कैनूला पेशेंट के लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कैनूला अच्छी तरीके से लग चुका है इस पेशेंट के। उसके बाद दोस्तों हमने इस पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंजेक्शन लिए हैं। इसमें पहला इंजेक्शन है इटरना जो कि 10 ml की वायल है, इसमें ओंडासेट्रॉन इंग्रेडिएंट है। और दूसरा जो इंजेक्शन है ये है MVI इंजेक्शन, ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। और इसमें तीसरा जो इंजेक्शन है वो है पेंटाबेस्ट 40 mg, इसमें पेंटोप्रजोल 40 mg है। और चौथा इंजेक्शन है मैगजोन 1 ग्राम, इसमें सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम है। उसके बाद दोस्तों हमने जो IV सेट है इसको लेकर और जो हमारी DNS बोतल है उसमें इसको इंसर्ट करना है। इसमें DNS में और सभी बोतल में एक जगह होती है जहां पर इसको इंसर्ट किया जाता है। देख सकते हैं आप हमने इस DNS बोतल में इसको इंसर्ट किया है। इसको इंसर्ट करने के बाद हम इसकी एयर निकाल कर और इस ड्रिप को ऊपर लटका देंगे। ऊपर लटकाने के बाद और इसकी एयर निकालने के बाद हम इस IV सेट के कैप को जो हमने पेशेंट के कैनूला लगाया था उसके जो कैप लगाया था उस कैप को हटाकर इस IV सेट को उसमें लगाना है अच्छे से, जिससे कि जो हमारा IV फ्लूइड है बाहर ना निकले। आपको ये देखना है कि जो हम इस कैप को लगा रहे हैं ये अच्छे से लगा है या नहीं लगा है। आप देख सकते हैं हमने इस पेशेंट के अच्छे से लगा दिया है। और फिर उसके बाद हमने जो IV सेट में एक निडल निकली थी उससे हमने बोतल को पंच किया है जिससे इसकी एयर निकलती रहे। अब हम इस बटन की मदद से देखेंगे कि ये ड्रिप चलनी स्टार्ट हो गई है या नहीं। गाइस आप देख सकते हैं ये ड्रिप चलनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इस पेशेंट के जो ड्रिप लगाई है DNS इसमें इंजेक्शन डालेंगे। आप देख सकते हैं हम इसमें इंजेक्शन कैसे डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने लिया है मैगजोन 1 ग्राम इंजेक्शन, इसमें सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम इंग्रेडिएंट है। इसको मैक्लोड फार्मा बनाती है, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। अब हम इसको जो इसमें वाटर निकलता है उसको सिरिंज में भरकर इस इंजेक्शन में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको जो DNS बोतल है उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हमने ली है इटरना वाइल, इसमें जो इंग्रेडिएंट है ओंडासेट्रॉन, ये पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को वोमिटिंग की शिकायत होती है। तो हम इसको 2 ml लेकर इस पेशेंट के जो कैनूला लगा है उसमें लगा देंगे।
डायरेक्ट आप देख सकते हैं हमने इस पेशेंट के ये ओंडासेट्रो इंजेक्शन डायरेक्ट लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने जो इंजेक्शन लिया है वह है पेंटाबेस्ट 40 mg इंजेक्शन। इसमें जो इंग्रेडिएंट है पेंटोप्रोजोल 40 mg, ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप का इंजेक्शन है। ये पेशेंट को तब दिया जाता है जब किसी पेशेंट के अल्सर हो या किसी पेशेंट की गैस बन रही है, तब ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों अब हम इस सिरिंज में वाटर लेकर इस पेंटाबेस्ट इंजेक्शन को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस इंजेक्शन को फिर दोबारा हम सिरिंज में भरकर इस पेशेंट के आईवी लगा देंगे, जैसे हमने ओंडासेट्रोन 2 ml इंजेक्शन लगाया था इस पेशेंट के कैनुला में, उसी तरह इस इंजेक्शन को भी हम लगा देंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो हम इस इंजेक्शन को तोड़ रहे हैं ये MVI इंजेक्शन है, ये 10 ml में आता है। हम इसको 5 ml की सिरिंज में 5 ml लेकर और जो DNS बोतल है उसमें डाल देंगे। दोस्तों आपने देखा होगा हमने एक ओंडासेट्रोन इंजेक्शन और जो पेंटाबेस्ट इंजेक्शन था वो हमने पेशेंट के कैनोला में आई भी दिए थे, और एक MVI इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं सिरिंज में इसको हम डाल रहे हैं बोतल में, और जो पहला एंटीबायोटिक इंजेक्शन था मैगजोन 1 ग्राम, ये दोनों हमने ऊपर DNS बोतल में डाले हैं। गाइस आप देख सकते हैं हमने इस पेशेंट के सभी जो इंजेक्शन थे वो लगा दिए हैं। अब ये बोतल अच्छे तरीके से जो इसकी स्पीड है उसी तरीके से हमने इस बोतल को चालू कर दिया है, और ये 1.5 से 2 घंटे में इस पेशेंट को लग जाएगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो दूसरी ड्रिप है उसको हम कैसे लगा रहे हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। दोस्तों इस पेशेंट के हम जो दूसरी बोतल लगाएंगे वो है RL, और हम जो इसमें इंजेक्शन डालेंगे वो है मैकफोल प्लस। इसमें मेथाइल कोबेलामिन विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन है, इसको सिंथोकाइंड कंपनी बनाती है। आप गाइस देखते रहिए इसको भी हम कैसे लगाते हैं इस पेशेंट के। दोस्तों जिस तरह हमने DNS में IV सेट को इंसर्ट किया था उसी तरह हमने RL में भी इस IV सेट को इंसर्ट किया है। इस बोतल को भी हम उसी जगह पर टांग देंगे जिस जगह हमने RL लगाई थी। उसके बाद हम इस मैकफोल इंजेक्शन को इसके जो कैप है इसमें निकाल कर, आप देख सकते हैं ये इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, इसमें सिरिंज भी साथ आती है। इस सिरिंज को आप अच्छे से लगाकर और जो ये मैकफोल इंजेक्शन है इसको सिरिंज में भरकर और जो RL बोतल है उसमें हम डाल देंगे। दोस्तों ये जो मैकफोल इंजेक्शन है ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, ये पेशेंट के कमजोरी थकान अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है तब ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। इस इंजेक्शन को हम बोतल में डालने के बाद फिर इस IV सेट को जो कैनोला है उसमें फिर दोबारा लगा देंगे अच्छे से, जिससे कि हमारा जो IV फ्लूइड है वो बाहर ना निकले। दोस्तों इस पेशेंट के RL और DNS लगने के बाद इस पेशेंट के सबसे लास्ट में हम मेट्रोजेल IV लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में मेट्रोजेल IV है, इसको भी हम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने RL और DNS लगाई थी इस पेशेंट के। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि एक पेशेंट के IV फ्लूइड यानी ड्रिप किस तरह लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।